हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के साथ ही मॉनसून अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। कांगड़ा, किन्नौर, चंबा और कुल्लू के कई हिस्सों में जारी बारिश से नदी नाले उफान पर है और ऐसे में कहीं फसलों को नुकसान हुआ है तो कहीं सड़कें बाधित हैं। वहीं रविवार देर शाम शाहपुर की चंबी खड्ड में भारी बरसात के चलते आई बाढ़ में अपनी रोजी रोटी की तलाश में खड्ड में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचा स्थानीय युवक राहुल अचानक खड्ड के बीचों बीच मंझधार में फंस गया। हालात ये थे कि बाढ़ का पानी ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपरी हिस्से तक पहुंच गया और राहुल को कहीं से भी जान बचाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था। राहुल घंटों मदद का इंतजार करता रहा और मदद के लिए चिल्लाता रहा। इसी बीच कहीं से कांग्रेस के प्रदेश महासचिव केबल सिंह पठानिया युवक के लिए मसीहा बनकर पूरे दलबल के साथ चंबी खड्ड में पहुंच गए और उन्होंने अपने साथियों के साथ कड़ी मशक्कत के बाद युवक को खड्ड से बाहर निकाला। आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से लगातार स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी जा रही है और ऐसे में नदी नालों से दूर रहें और खुद की जान को जोखिम में न डालें। खड्ड में जो कि भारी बरसात के कारण जो है वो हमारा एक छोटा भाई राहुल जो है जो अपना काम काज कर रहा था बीच खड्ड में जो है तेज भाव से चंबी नदी आई, लेकिन यहाँ के लोकल हमारे अरविंद जी, विशाल चौधरी जी और संजय जी और हमारे प्रधान सुरेंद्र जी और पूर्व वार्ड पंच हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय संजय जी और सोनू जी, मेहता जी और इंद्रजीत जी, हमारे विवेक राणा जी, मैं सब लोगों का, नौजवान साथियों का कहती इसलिए मैं कह रहा हूँ धन्यवाद करना चाहूँगा कि एकदम इन्होंने रस्से का इंतजाम किया और रस्सी के साथ इस बच्चे को जो है वो रेस्क्यू किया और बड़ा बहादुरी का काम उन्होंने किया। और राहुल भी बड़ा साहसी लड़का है, क्योंकि इतना तेज पानी आ रहा था लेकिन उसके बावजूद भी उसने जो है निडरता दिखाई और माता रानी की कृपा से जो है राहुल भी सेफ है और ट्रैक्टर जो है अभी भी पानी के बीच में है। मैं नौजवान साथियों को इस काम के लिए इनको बधाई भी देता हूँ।